गाइस आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग A1 पीयूष जैसे वॉइस एडिटिंग कैसे कर सकते हो। अब देखो गाइस, ऊपर वाला जो आपको वॉइस दिया है उसको तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको एडिटिंग करके काफ़ी हद तक बेहतरीन बना सकते हो। और इसके कुछ टिप्स है गाइस जिसको आप लोग को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं आप लोग को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आप लोग को अगैरह वगैरह चीज़ नहीं खाना चाहिए, आप लोग को ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए, और आप लोग को जहाँ तहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। आप लोग एक यूट्यूबर होंगे तो आप लोग को पता होगा कि यूट्यूबर के लिए वॉइस कितना इंपॉर्टेंट होता है। चले चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, वहाँ पे आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपके पास डबल फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन से ही ऑडियो रिकॉर्ड करो तो ही सही रहेगा, नहीं तो अगर आप माइक से करते हो तो माइक सिर्फ क्लियर वॉइस एडिटिंग लेता है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे तो आपका फ़ोन बेहतरीन क्वालिटी के ऑडियो रिकॉर्ड करके देता है। सो गाइस अगर आपके पास फ़ोन डबल है तो आप कोशिश करो कि आप अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करो, लेकिन नहीं है तो आप माइक को यूज़ कर सकते हो। लेकिन माइक को यूज़ करने के लिए गाइस आप लोग तो डायरेक्ट वीडियो से ही करोगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जाना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर में। उसके बाद गाइस यहाँ से लेक्सिस ऑडियो एडिटर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा एडिटर हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप लोग को चलिए हमारे पास यहाँ ऑडियो भी सिलेक्ट है। आप लोग को पता होगा कि ऑडियो किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। अब गाइस यहाँ से आप लोग को 3 लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को ये सब तो पता होगा, आप लोग को नॉर्मलाइज भी पता होगा, तो चलिए मैं फिर से बताता हूँ। आप लोग को नॉर्मलाइज पे क्लिक करना है, ये आप लोग को ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से आप लोग को इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ से इस बार आप लोग को क्लिक करना है कंफ्रेंस में, और यहाँ पे आप लोग देख लो गाइस इतना ही आप लोग को सेट रखना है, आप लोग को ज़्यादा नॉइस नहीं आता है तो, नहीं तो आप लोग चेंजेस कर सकते हो। बाकी इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसके बाद यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। बस इसको करने के बाद देखते हो हमारे वॉइस मतलब क्लियर हो चुका है, साइड में जो भी था वो सभी यहाँ पे हट चुका है। बस यहाँ फिर से क्लिक करना है, फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से इस बार आप लोग को नॉइस को रिडक्शन कर लेना है। आप लोग को नॉइस रिडक्शन पे आप लोग फिर से दिखाते हैं कि इसको आप लोग कितना रखना है। चलिए यहाँ से हम नॉइस को आप लोग को इतना रखना है गाइस, यहाँ पे देख लो आप लोग को जितना यहाँ पे दिख रहा है उतना ही आप लोग को अपने फ़ोन में रखना है। उसके बाद गाइस यहाँ से तीनों तो आप लोग को पहले से भी ऑलरेडी पता होगा, लेकिन गंभीर करने के लिए काफ़ी हद तक गंभीर अगर करना चाहते हो तो आप लोग को इफेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग को इस बार क्या करना है, इस सभी को आप चेंजेस करके देख सकते हो। नहीं तो मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आप लोग से बता दूँ। तो यहाँ से आप लोग को सबसे पहले क्या करना है देखते हो, यहाँ एम्पलीफायर पे आप लोग को क्लिक करना है गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो यही आप लोग को वॉइस काफ़ी हद तक बेहतरीन कर सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस जितना यहाँ पे सेट किया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जितना यहाँ पे सेट किया गया है उतना ही आप सेट करिएगा, बाकी आपका वॉइस काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। आपके वॉइस अगर कमज़ोर आता है तो आपका वॉइस मतलब बहुत ही तगड़ी आवाज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है गाइस, उसके बाद आपका वॉइस सुनना, आप खुद से सुनना आपका वॉइस लगेगा कि हाँ यार ये दमदार वॉइस आ चुका है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी हद तक जहाँ जहाँ मैं मतलब ज़्यादा आवाज़ किया हूँ तो वहाँ पर एक कितना ज़्यादा मतलब वॉइस दे दिया है। तो इस तरह से गाइस A1 पीयूष जैसे आप वॉइस एडिटिंग कर सकते हो। वैसे गाइस उनका जैसे नहीं होगा क्योंकि उनका आवाज़ भी दूसरा है, उनका माइक भी थोड़ा महंगा है, तो आप लोग अगर इस माइक से रिकॉर्ड करोगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत कम ही रहेगा, बाकी उनके जैसा एडिटिंग हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।